वेलकम टू जानकारी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक बहुत ही टेस्टी और साथ ही साथ बहुत ही पौष्टिक रेसिपी लेकर आए हैं, मूंग दाल के पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें लेनी है धुली हुई मूंग की दाल, जो पीले रंग की होती है इस तरह की, और इसे आपको 4 घंटे तक भिगोकर रखना है। हमने इसे पहले से ही 4 घंटे भिगो लिया है और ये पूरी तरह से भीगी है या नहीं इसे चेक करने के लिए इसमें से थोड़ी सी ये दाल निकाल लेंगे और प्रेस करके देखेंगे। अगर ये आसानी से टूट रही है तो मतलब ये पूरी तरह से भीग चुकी है। अब हम दाल का सारा पानी छलनी से निकाल देंगे और इसे ग्राइंडर में पीसेंगे, लेकिन पीसने से पहले हम इसमें से 2-3 चम्मच दाल पहले से निकाल लेंगे और बाद में इसको ऐड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दाल हमने मिक्सी में पीस ली है और इस तरह का दरदरा बैटर बना लिया है। अब हम इस बैटर में जो हमने पहले से साबुत दाल रखी थी उसको ऐड करेंगे। ये दाल मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये दाल हमने इसलिए रखी थी कि इसको ऐड करने से हमारे पकौड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर, ये अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं आप। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर। अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हरा धनिया मैंने लिया है और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है साबुत धनिया। इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और ये इसमें ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच के करीब आपको ऐड करना है इसमें। अब अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और ये मैंने पिसा हुआ धनिया लिया 1 चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला या चाट मसाला भी ले सकते हैं आप। और ये सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाले मिक्स करने के बाद हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और तेल को थोड़ा मीडियम से हाई जो है हीट करना है, थोड़ा ज़्यादा गरम रखना है। और अब हम इसमें पकोड़े डालते हैं। पकोड़े डालने के लिए जो ऑयल में हम बैटर डालते हैं पकोड़े बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग ट्रिक ली है आज मैं बताने जा रही हूँ। उसके लिए 2 स्पून आपको चाहिए। 1 स्पून में आप बैटर लेंगे इस तरह से और दूसरी स्पून की हेल्प से इस तरह से पकोड़े के साइज़ का बैटर कढ़ाई में डालते जाएंगे। इस तरह से स्पून की हेल्प से सारे पकोड़े हमने इसमें डाल लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और बीच में से कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ा मीडियम फ्लेम पर हमें काफ़ी देर तक पकाना है इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें खाने के लिए निकालते हैं बाउल में। और ये देखिए कितना सुंदर इनका कलर आया है। हम इनको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं और मैंने इमली की चटनी ऑलरेडी बना के रखी है और इमली की चटनी के साथ खाएंगे हम इसे। बहुत से लोग इसे चाय के साथ भी पसंद करते हैं, लेकिन हम इमली की चटनी और दही के साथ इसे खाना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये देखिए आप कितने क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। आप भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के डिफरेंट वीडियोस के लिए जानकारी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।